इसका मूल्य आंका जाए तो 101 करीब 15 लाख का मोबाइल ये हम लोग लौटा रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार पुलिस के द्वारा लगातार ऐसे ऐसे स्मार्टफोन्स को पुलिस ढूंढ कर निकाल रही है जो सालों से महीनों से गायब हो जाते हैं। अब पटना रेल पुलिस ने भी ऑपरेशन खुशी चलाया। देखिए, हम इस वक्त पटना जंक्शन के सभागार में हैं और देखिए ये भीड़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और कितने लोगों का फ़ोन पटना के विभिन्न जगहों पर खोया था, स्टेशनों पर खोया था। और अब देखिए जो स्मार्टफोन्स हैं, ये तमाम स्मार्टफोन्स खोए हुए स्मार्टफोन्स हैं जिसे पटना रेल पुलिस ने ढूंढ कर निकाल लिया है। आज करीबन 101 लोगों को जो है वो विधिवत तरीके से जो उनके स्वामी है यानी जो फोन्स ओनर हैं उनको फ़ोन सौंपा जा रहा है। हमारे साथ पटना के रेल SP अमृतेंदु शेखर ठाकुर जी है। किस तरीके से सर फ़ोन को ढूंढ निकाला गया पटना रेल पुलिस के द्वारा और किस तरीके से उसको सौंपा जा रहा है? ऑपरेशन खुशी 1 जून से रेल पुलिस पटना द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो खो जाते हैं मोबाइल, जो जिनका धारक लोग आशा छोड़ देते हैं, उन मोबाइल पर भी वैज्ञानिक तरीका से जांच किया गया, उसको लोकेट किया गया और संबंधित व्यक्तियों से मोबाइल को बरामद करते हुए आज 101 मोबाइल धारकों को जो विभिन्न जिलों से हैं, विभिन्न राज्यों से हैं, उनको लौटाया जा रहा है। ये फ़ोन सर कौन कौन से स्टेशनों से गायब हुए थे? मेनली मुख्य रूप से पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, पटना साहिब, दानापुर, आरा, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, गया, भभुआ, बिहार शरीफ और सोननगर से। लेकिन जो यात्री हैं वो विभिन्न राज्यों के भी हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों के हैं जिनको आज बुलाकर उनको लौटाया जा रहा है। कितने अमूमन कितना इसका मूल्य होगा जो 101 स्मार्टफोन? ये आमतौर पर काफ़ी महंगे मोबाइल भी हैं, लेकिन एवरेज अगर इसका मूल्य आंका जाए तो 101 करीब 15 लाख का मोबाइल ये हम लोग लौटा रहे हैं। 15 लाख के स्मार्टफोन्स को आप लोगों ने ढूंढ कर गिरफ्तारियां भी किसी की हुई है? जिस अभी तक ये जो सना वाला है उसमें हम लोग जांच करते हैं और गुड फेथ में किसी के द्वारा उठा लिया जाता है तो उसे बरामद कर लेते हैं। लेकिन इसी क्रम में अगर जांच के क्रम में यह पता चलता है कि वो चोरी के क्रम में किया गया या उनके अलावा जानबूझ उठा लिया गया और उनको बेचा जा रहा है अवैध तरीके से, तो फिर उस पर प्राथमिकी दर्ज करके उनको जेल भेजा जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा जो चोरी के मोबाइल जानकर भी खरीद ले? उनको मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि वो मोबाइल को पता कर लें और उसको बिल्कुल बिना कागज़ के, या सेकेंड हैंड मोबाइल भी है, उसका बिल जरूर देखें, कस्टमरों देखें और आँख बंद करके मोबाइल ना खरीदें। मतलब आँख बंद करके फ़ोन अगर कोई खरीदता है तो उस पर कार्रवाई कार्रवाई हो सकती है। सेकेंड हैंड मोबाइल ना खरीदें, क्योंकि आप अगर खरीदते हैं और उससे अगर अपराध हुआ है मोबाइल से तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है। आने वाले दिनों में इस तरीके के कार्यक्रम पुलिस के द्वारा देखने को मिले? लगातार हम सात जून को 20 मोबाइल लौटाए गए थे और आज 101 लौटाया गया है, तो 131 मोबाइल जून माह में ही लौटाए गए हैं। पूरी एक टीम हमारी लगी हुई है, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुशांत कुमार चंचल के नेतृत्व में और जो जितने पुलिस उपाधीक्षक अन्य हैं, गया में हैं, दानापुर में हैं, पूर्वी क्षेत्र में हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, तो वो सभी थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर और पुलिस, उनको विशेष रूप से इसमें कहा गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं, उनके द्वारा कार्य भी किया जा रहा है। SP सुशांत सर हैं, मुझे बात करें किस तरीके से फोन ट्रैक करते हैं और ट्रैक करने के बाद फोन को ट्रेस करके उस फोन को रिकवर किया जाता है? जब फोन कोई यूज करता है तो फिर उसका हम लोग जो है सो सीधे करते हैं, टेक्निकल जो है ज्यादा तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन टेक्निकली हम लोग पता करके हम लोग जो है मोबाइल को जो है रिकवर। बचना मुश्किल? हाँ, अगर आप मोबाइल आप चोरी का खरीदते हैं या गुम हुए मोबाइल को रखते हैं तो आपको हर हाल में जो है सो धार अगर मिलता है तो आप थाना में दे दीजिए जिसका मिल जाएगा, अगर चोरी का मोबाइल अपना। देखिए, तो बचना साफ तौर से मुश्किल है और देखिए आज उनके स्वामी को जो लोग उसके असली हकदार थे यानी जो ओनर्स थे जिनके फ़ोन गायब हो जाए थे, देखिए पैर छू के भी रेल SP को वो प्रणाम कर रहे हैं, वो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। और आम तौर पर रेल पे अगर यानी रेलवे में अगर आप यात्रा करते हैं तो ऐसे कई लोग पटना जंक्शन से लेकर राजेंद्र नगर, दानापुर और देश के अन्य अन्य कोने में स्टेशनों पर घूमते हैं जो लोग फोन्स को गायब कर देते हैं। आपकी मेहनत से कमाई गई जो पैसे हैं उससे आप फोन्स खरीदते हैं मगर वो लोग उसको जो है गायब कर देते हैं। ऐसे में बिहार पुलिस और पटना रेल पुलिस के तरफ से अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन खुशी के तहत जो है ये कार्यक्रम के तहत कुल 101 स्मार्टफोन्स को पटना रेल पुलिस ने ढूंढ कर निकाला और उनके स्वामी को सौंपा गया है। करीबन 15 से 16 लाख के ये मूल्य के फ़ोन हैं जो अब रेल पुलिस ने ढूंढ निकाल लिया। पटना रेल SP और DSP सुशांत सिंह क्या कुछ कर रहे थे वो आपने सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।